हेलो मम्मी, सो आई एम बैक विद माई अनदर वीडियो एंड जिसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक नई सीरीज़ जो कि बेबीज़ के फूड के बारे में। इसमें हम क्या करेंगे ना, एक वेजिटेबल, पर्टिकुलर हेल्दी वेजिटेबल लेंगे। वैसे वेजिटेबल सारी हेल्दी होती हैं एंड मैं उसमें शेयर करूँगी उसकी रेसिपी, साथ में बताऊँगी किस एज ग्रुप के बेबी को या टोडलर को आप उसको दे सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ब्रोकली कटलेट बनाने के लिए थोड़ी सी ब्रोकली और एक आलू को हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसी कुकर में बॉईल कर लेंगे। आप चाहें तो उसे स्टीम बॉईल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको अच्छे से छान लेंगे और उसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि गर्म में अगर हम पेस्ट बनाएंगे तो वो अच्छे से उसके कटलेट नहीं बन पाते हैं। 15-20 मिनट छानने के बाद छोड़ दे देंगे। अब ठंडा होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर। आप मसाले अपने बेबी के टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसको मैशर की हेल्प से मैश करेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। स्मूथ पेस्ट बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्या होगा ना कि जब आप उसके कटलेट्स बनाओगे तो उसमें बीच बीच में मोटे मोटे पीसेस नहीं आएगा, क्योंकि छोटे बेबीज़ के लिए है तो उनको चोकिंग के लिए दिक्कत नहीं रहेगी। तो ऐसे यहाँ पर मैं स्मूथ पेस्ट बना रही हूँ और अब मेरा ये पेस्ट रेडी हो गया है। इसमें अब मैं डालूँगी 3 से 4 स्पून ओट्स पाउडर। ओट्स पाउडर मैंने कैसे बनाया है, जो नॉर्मल ओट्स आते हैं उसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है कढ़ाई में एंड उसका मैं पीस के पाउडर बना के रखती हूँ। तो मैं कटलेट के लिए हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रही थी। ये उसको बाइंडिंग में भी हेल्प करता है, प्लस मैदा या कुछ ऐड करने से ज़्यादा हेल्दी भी होता है। अब इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर ऐसे राउंड राउंड टिक्की की शेप देंगे। और आप टिक्की की शेप के अलावा कोई भी शेप दे सकते हैं। और उसको मैं थोड़ा सा ना फ्लैट कर लूँगी, क्योंकि सेकने के बाद ना अंदर तक अच्छे से सिक जाता है। अगर आप ज़्यादा मोटा मोटा रखेंगे तो वो अंदर तक नहीं सिकेगा। अब एक पैन को गर्म करके उसमें घी, मैं नॉर्मली बेबी के लिए देसी घी यूज़ करती हूँ। आप कोई भी अपने चॉइस का यूज़ कर सकते हैं। देसी घी रिकमेंडेड होता है तो मैं वही यूज़ करती हूँ। और अब इन कटलेट्स को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। और आप देखेंगे कि एकदम ओट्स पाउडर जो हमने उसमें डाला था ना, उसकी वजह से इसकी बाइंडिंग अच्छी होती है, फटते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से सेक जाता है एंड हमारी कटलेट्स रेडी है। सो क्रीमी ब्रोकली राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ब्रोकली को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है एंड इसमें जो इसकी डंठल होती है ना पीछे वाली, उसको मैं ऐसे कट कर करके निकाल दूँगी, जिससे कि वो बॉईल हो जाए अच्छे से। ये थोड़ा सा हार्ड रहती है। एंड यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे एंड उसमें मैं डालूँगी ब्रोकली और राइस। दोनों को हम साथ में ही बॉईल कर लेंगे, क्योंकि दोनों साथ में बॉईल हो जाते हैं तो अलग अलग से टाइम क्यों वेस्ट करना है। एंड अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को जब वो बॉईल हो जाएंगे तो छान लेंगे और छान के अलग अलग कर लेंगे। ब्रोकली को अलग कर लेंगे, राइस को अलग कर लेंगे, क्योंकि ब्रोकली को हमें पीसना है। फिर पनीर का एक पीस लेंगे, उसको भी ऐसे ब्रोकली की तरह छोटे छोटे पीसेस में उसको चॉप कर लूँगी। नाउ पनीर और ब्रोकली दोनों को मैं मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, इससे एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। अभी कढ़ाई में घी डालेंगे थोड़ा सा, और उसको अगेन मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। अब जब घी गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे अपना ब्रोकली और पनीर का जो हमने पेस्ट बनाया था वो। उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे उसमें और इसको अच्छा सा अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि इसका जो स्मेल होती है ना ब्रोकली वाली वो चली जाए और अच्छे से उसमें जो ब्रोकली है वो फ्लेवर आ जाए उसका। अब ऐसे यू कैन सी, मैंने यहाँ पे पानी डाल लिया है, थोड़ा सा क्रीमी टेक्स्चर आ गया है, एकदम गाढ़ा नहीं रखना है। अब यहाँ पे हम इसमें मसाले डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और अब चाहे तो मैं यहाँ पे ऑरिगेनो डाल रही हूँ, आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। मैंने काली मिर्च डाली है तो मैं जनरली अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को कभी कभी क्या होता है ज़्यादा हो जाता है। एंड इन मसालों को भी अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक पका लेंगे। इसको अच्छे से पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने राइस बॉईल करे थे। एंड हमारे ना जो उसकी थिकनेस रखनी है वो हमारी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका बेबी कितना बड़ा है। आप उसको ज़्यादा थिक नहीं करना चाहते हैं, आप राइस कम डालिए, जैसा भी आप टेक्सचर रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड इसको मिलाने के साथ ही हमारी क्रीमी एंड हेल्दी ब्रोकली राइस रेडी है। ब्रोकली पराठा बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी ब्रोकली और थोड़े से पनीर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है एंड अब मैंने आटा लगाऊंगी तो उसी में उसको साथ रखूँगी। तो आटे को मैंने छान लिया है, उसमें मैं ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस, सॉल्ट डालूँगी, गरम मसाला डालूँगी, लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी। मसाले आप अपने बेबी के टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा या चेंज भी कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम ब्रोकली और पनीर। ब्रोकली जो होती है बहुत ही हेल्दी होती है और गोभी जैसा टेस्ट देगी, तो अगर बेबी को स्टार्टिंग से देंगे तो अच्छी लगती है। मेरी बेबी को तो बहुत ही पसंद है। और पनीर डालने की वजह से जो हमारे पराठे होते हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। तो अगर आप अपने 10 मंथ्स की बेबी को भी दे रहे हैं तो वो भी अच्छे से उसको खा सकते हैं, उनको भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जितना हमें पानी की ज़रूरत होगी उतने हम अप्रोप्रिएट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, जैसे हम नॉर्मली आटा लगाते हैं वैसे हम इसका आटा बना लेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जैसे कि 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि आप तभी करते हो ना तो उससे थोड़े हार्ड पराठे बनते हैं, केड़े से बनते हैं। तो 10-15 मिनट रखने के बाद हम इसका पराठा बनाएंगे। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा इसे घी लगाकर पराठा बनाइए तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। प्लस घी तो बच्चों के वेट गेन के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है, तो हेल्दी भी रहता है उनके लिए। ऐसे हम उसका पराठा बेल लेंगे। आप किसी भी शेप का पराठा बेल सकते हैं, यहाँ मैं ट्रायंगल में कर रही हूँ, आप चाहे तो उसे गोल शेप का भी पराठा बेल सकते हैं। नॉर्मल जैसे हम पराठा सेकते हैं उसी की तरीके से इसको सेक लेंगे। एंड इस पराठे को ना आप कैसे भी उनको सर्व कर सकते हैं, किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, बटर के साथ सर्व कर सकते हैं। जैसे आपके बेबी को पसंद हो आप उसको वैसे सर्व कर सकते हैं। लीजिए हमारा सुपर हेल्दी हाई प्रोटीन ब्रोकली पराठा रेडी है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ येस तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोस के लिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए, नई रेसिपी ट्राई करती रहिए। और अगर पेरेंटिंग या बेबी को लेके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं उसका ट्राई करूँगी जितना मैं एफर्ट्स डाल सकती हूँ और या जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है उसको आंसर करने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।